ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। जब भी कोई दिव्य शक्ति आती है या हमें कोई जब भी कोई दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, ईश्वर की अनुकंपा से जब भी कोई दिव्य शक्ति मिलती है, तो वह आकर कौन से ऐसे संकेत देती है जिनसे हमें ये पता लग सके कि हमारे पास कोई दिव्य शक्ति आ रही है, कोई दिव्य शक्ति हमें प्राप्त हो चुकी है, चाहे वह साधना के द्वारा प्राप्त हुई हो या फिर हमारी नॉर्मल पूजा के द्वारा हमें कोई सिद्धि प्राप्त हो गई हो, या फिर हमारे घर में कोई देवी शक्ति पूजी जाती थी, या हमारे पूर्वज ने किसी सिद्धि साधना को किया था, वह सिद्धि साधना हमारे पास आ रही है। तो ऐसे कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिन लक्षणों से हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि हमारे पास कोई दिव्य शक्ति आ रही है? तो मैं आज आपको ऐसे कुछ ऐसे चमत्कारी अनुभव बताऊंगा जिनके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके पास वास्तव में कोई दिव्य शक्ति आ रही है। और ये जो अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, ये अनुभव ऐसे हैं जो अनुभव स्वयं मुझे हुए हैं, साथ ही मैंने बहुत सारे भक्तों के विषय में जो देखा उनको भी इस तरह के अनुभव हुए। और साथ ही जब आप इस अनुभव के बारे में जानेंगे तो आपको भी ये आभास होगा कि वास्तव में हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है और हम इस चीज से अज्ञान थे। वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको आप पूरी देखें। वीडियो में सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई दिव्य शक्ति ईश्वर आपको खुश होकर देते हैं, जब भी कोई दिव्य शक्ति पॉजिटिव ऊर्जा आप पर प्रसन्न होकर आपके पास आती है, तो वह आने के बाद आपको संकेत देती है। तो जो पहला संकेत होता है वह होता है अपने त्वचा के द्वारा। त्वचा के द्वारा ये संकेत होता है कि जब भी आप पूजा करते हैं या उस शक्ति जो शक्ति आपके पास आ रही है उससे संबंधित जब भी आप कोई भजन सुनते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपका रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके शरीर में एक अलग ही प्रकार की हलचल होनी प्रारंभ हो जाती है। जब भी आप उस शक्ति से संबंधित कोई भजन, कोई कीर्तन या फिर आप उसका जाप करेंगे तो उस समय आपके रोंगटे खड़े होने स्वाभाविक हैं। और दूसरा जो लक्षण होता है, दूसरा लक्षण होता है कि जब भी आप कभी किसी जागरण या कहीं कीर्तन में जाओगे तो जो शक्ति आपके पास आ रही है उससे संबंधित जब भी आप कोई भजन या जब भी कोई आप उससे संबंधित कोई भी किसी तरह का आप स्तुति सुने हुए तो उसी समय आपके शरीर में एक अलग ही प्रकार की अकड़ाहट होगी, एक अलग ही प्रकार का शरीर में परिवर्तन होगा, शरीर पर जोर होगा, शरीर पर भारीपन होगा। तो ये भी लक्षण होता है कि आपके पास अवश्य ही कोई पॉजिटिव ऊर्जा है, ईश्वर की दी हुई आपके पास कोई दिव्य शक्ति है। और तीसरा जो लक्षण होता है वह यह होता है कि जब आप अपनी पूजा कक्ष में आप जब भी बैठकर पूजा करते हैं या आप कहीं पर भी जब भी उस शक्ति का ध्यान करते हैं या जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा करते समय आपके शरीर भारी होगा और आंखों से आंसू आते हैं। आंखों के द्वारा बड़ा शीघ्र ये चीज पता लग जाता है कि कोई दिव्य शक्ति हमारे पास आ रही है। आपकी आंखों में जब भी आपको ध्यान करते हुए बहुत ज्यादा आंसू आए और शरीर भारी हो और उबासी आए, जब भी आपको बहुत ज्यादा उबासी आए तो समझ लेना कि वह दिव्य शक्ति आपके आसपास ही है, आपके इर्द गिर्द ही है और वह अपने होने का आपको प्रमाण दे रही है, अपने होने का आपको एहसास करा रही है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरे पास कोई दिव्य शक्ति है, मेरे पास कोई पॉजिटिव ऊर्जा है जो मुझे अपने होने का आभास करा रही है, जो अपने होने का मुझे संकेत दे रही है। और जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो यह होता है, यह अनुभव मैंने बहुत सारे भक्तों के साथ देखा और स्वयं अपने साथ भी मैंने शुरुआती दौर में इस तरह के अनुभव बहुत सारे किए, अब तो निरंतर ही ये चीज होती रहती है। तो वह होता है कि जब भी आप किसी सिद्धि साधना को करते हैं और कोई सिद्धि आपके पास आती है, कोई शक्ति आपके पास आती है, चाहे वह किसी के द्वारा भी आ रही हो, तो आपको स्वप्न में आपको मंदिरों के दर्शन होना, आपको मूर्तियों के दर्शन होना, आपको अलग अलग जगह में जाकर आपको उस शक्ति से संबंधित कुछ ना कुछ स्वप्न में आपको दिखाई देना,
तो यह लक्षण बताता है कि आपके पास वो दिव्य शक्ति है जो आपको अपने होने का अनुभव करा रही है, आपको अपने होने की मौजूदगी दे रही है। और एक लक्षण ये भी होता है कि कई भक्तों को ऐसा एहसास होता है कि जब वो चलते फिरते हैं, ईश्वर का नाम सुमिरन करते रहते हैं, पूजा करते हुए ईश्वर का नाम सुमिरन करते हैं, उन्हें ये आभास होता है कि हमारे पास कुछ है, हमारे दाएं बाएं कोई ना कोई दिव्य शक्ति है, उन्हें इस चीज़ का होने का आभास होता है। ये भी बहुत ही अच्छा लक्षण होता है। और एक लक्षण ये भी होता है कि कभी कभी जब आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको अचानक से बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक खुशबू आती है। यह खुशबू नासिका के द्वारा ये चीज़ महसूस होती है कि आपके पास, आपके आसपास कोई पॉजिटिव ऊर्जा है, आपके पास कोई दिव्य शक्ति आ रही है। और एक लक्षण ये भी होता है कि जब आप पूजा करें या फिर कभी कहीं बैठकर ध्यान करें, या मंदिर में करें या घर पर करें, ये चीज़ें मेरे साथ अक्सर हुआ करती थी। तो जब भी आप ध्यान करें, ध्यान करते हुए आपको कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई घंटी बज रही है, कोई ध्वनि हो रही है, और दूर की ध्वनि आपको सुनाई देगी, ऐसी ध्वनि जो आपने, आप सोचोगे कि ये चीज़ मुझे ऐसे बाहर नॉर्मल अगर मैं सुनूं तो सही नहीं दिखा सुनाई देगी, लेकिन आप जब ध्यान करेंगे तो ध्यान के बाद के द्वारा आपको ऐसी बहुत सारी गुप्त, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको सुनाई देंगी। घंटी बजना, दूर किसी स्टेशन पर कोई गाड़ी चल रही है उसकी आवाज़ें आपको आना, दूर कहीं पर कोई वाहन कोई जा रहा है उसकी अचानक आवाज़ें आना, जबकि आप नॉर्मल सुनेंगे तो आपको नहीं आएगी। तो इसका मतलब यह है कि आप संसार की पॉजिटिव ऊर्जा को आप ग्रहण कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप सुन पा रहे हैं, तो ये भी संकेत दिलाती हैं कि आपके पास कोई पॉजिटिव ऊर्जा है, पॉजिटिव शक्ति आपके पास है। और ये सभी लक्षण सभी भक्तों में घटित नहीं होते, इनमें से कुछ लक्षण कुछ भक्तों के साथ घटित होते हैं और कुछ लक्षण सभी भक्तों के साथ घटित होते हैं। कुछ लक्षण ऐसे हैं जो सारे के सारे भक्तों के साथ होते, कुछ लक्षण नहीं होते। तो इनमें से कुछ भी दो तीन, एक दो तीन जो भी लक्षण आपके साथ घटित होते हैं तो आपको यह एहसास कराते हैं कि आपके पास दिव्य शक्ति है। और इस तरह का यदि आपको कोई लक्षण दिखे, आपको महसूस दे, तो आप समझ जाइए कि मेरे पास अवश्य को दिव्य शक्ति है। और उसी दिन से आप अपने जीवन को सात्विक रूप से और पूजा भक्ति की ओर अग्रसित करते हुए सात्विक जीवन व्यतीत करते रहें, और जिस चीज़ की, जिस भी इष्ट देवता की आप पूजा करते हैं उसकी पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करना प्रारंभ कर दें, उनके मंत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना प्रारंभ कर दें, ताकि वह पॉजिटिव ऊर्जा आपको पूर्ण रूप से और सात्विक रूप से आपको प्राप्त हो सके। सभी भक्तों को जय श्री राम।